सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो यहाँ पे फाइनली लेके आया हूँ मैं आपके Redmi Note 7 के लिए एक नई रोम के ऊपर, जो कि है मैजिक्स रोम। और फाइनली यहाँ पे ये रिलीज़ हो गई है और काफ़ी स्टेबल रोम आपको यहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपको फ़ोन में अपने मैजिक्स इंस्टॉल करनी है Redmi Note 7 के ऊपर, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पूरा एंड में आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, नीचे रेड वाले बटन को आप दबा दो ताकि आप सब्सक्राइब हो जाओ। जैसे ही मैं आपके लिए वीडियोस डालूं, उसके बराबर में एक घंटे का आइकन भी रहेगा सब्सक्राइब के बटन के बराबर में, उसको भी दबा दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन भी उसकी मिल जाए कि मैंने आपके लिए यार वीडियो डाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चल के दिखा देता हूँ। तो माई डिवाइस में आप देख सकते हो मैजिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 4.0 स्टेबल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे डिवाइस मॉडल आपको फुल स्पेसिफिकेशन में दिखा दूँ तो देख पाओगे 4.0 अभी लेटेस्ट यही आपको स्टेबल देखने को मिलता है मैजिक्स के अंदर। 9.4.11 का आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 9 पे है, आप देख सकते हो सिक्योरिटी पैच 0.4.0.5 का देखने को मिलता है। कर्नल वर्जन आपको वही देखने को मिलेगा 4.4.1.3, और आप यहाँ पे देख सकते हो SD660 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 2.2 GHz के ऊपर, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ये मैजिक्स फुल 2 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो मैजिक्स रोम यार काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के साथ और फुल 2 फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलती है। तो मैजिक्स रोम काफ़ी अच्छी MIUI के ऊपर बेस्ड रोम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हर एक चीज़ वर्क करती है। अगर आपने कभी MIUI प्रो रोम का नाम सुना है, MIUI EU रोम का नाम सुना है, तो ये उसी की तरह यहाँ पे MIUI की ये मैजिक्स रोम आपको देखने को मिलती है। मैसिक रोम है, मैं थोड़ा यहाँ पे अलग से बोलता हूँ। तो यहाँ पे 9.4.11 आपको देखने को मिल जाती है Redmi Note 7 के अंदर। यहाँ पे मैं ग्लोबल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यानी इंडियन वर्जन है Redmi Note 7 का। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या नया फीचर इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोर में चल के दिखा दूँ तो आप देख पाओगे स्मार्ट नेटवर्क सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप जाके नेटवर्क टाइप का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको किससे कॉल करनी है, कब वाईफाई ऑन रखना है, कब वाईफाई को ऑफ कर देना है, मोबाइल डेटा वेकअप कब करना है, 2G में जाना है, 3G में जाना है, बहुत सारी चीज़ आपको इस मैजिक्स रोम में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कनेक्शन टाइमर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि कब आपको कनेक्शन टाइम लगाना है, कब नहीं लगाना है, बहुत सी रही चीज़ें। डिस्प्ले में चलेंगे तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि पुराना वाला हमको देखने को मिलता है, जो कि S और L ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा ब्राइटनेस मोड, रीडिंग मोड ऑलरेडी देखने को मिल गया था। एक चीज़ सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि डार्क मोड आपको देखने को मिल जाता है, यानी आप सिंपली आप डार्क मोड को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे अपने Redmi Note 7 के अंदर। हर चीज़ में आपको ये डार्क मोड वर्क करता हुआ मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पे रहती है कि डार्क मोड भी आपको मिल गया है। उसके अलावा एक ऑप्शन मिल जाता है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस ड्यूरिंग कॉल्स, अगर आप कॉल्स में जाओगे तो ब्राइटनेस आप मैक्सिमम हो जाएगी। फॉन्ट में आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे कोई फॉन्ट लगाना है सिंपली अप्लाई कर दो, आपको रीबूट तक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई भी फॉन्ट चेंज करना है तो। ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, और आप थर्ड पार्टी कोई भी फॉन्ट आप लगा सकते हो बिना किसी रीबूट के। तो ये चीज़ बहुत ही धमाकेदार है कि यार आपको फॉन्ट के लिए रीबूट भी नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा टेक्स्ट साइज़ एक नीचे भी मिलती है, जिसमें आपको पूरा देखने को मिल जाता है, एस से लेकर XXL XXXL तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी सिस्टम साइज़ चाहिए वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डबल टैप टू अवेक का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सिस्टम एनिमेशन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो कि डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। उसके अलावा वॉलपेपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको कई सारी इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे लाइव वॉलपेपर भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने अगर इसके थीम चेंज कर दी तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। थीम स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा, थीम स्टोर में आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं, वो मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। आप चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट मल्टीमीडिया ऑडियो चाहिए या रिंगटोन चाहिए, दोनों में आप चेंजेस कर सकते हो। उसके अलावा आपको नीचे आप आओगे तो आपको और भी ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, जो आपने नहीं देखे होंगे, कि कनेक्शन चार्जिंग के और डिसकनेक्शन चार्जिंग साउंड, कंप्लीट चार्जिंग साउंड, लो बैटरी चार्जिंग साउंड, और यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर का भी मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम प्ले अप नेक्स्ट का ऑप्शन आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात मैजिक्स रोम की यह है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती है, क्योंकि फालतू उसमें ब्लोटवेयर ऐप
एड्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। मैंने इसको यार MIUI के बाद इस पर आया तो मुझे लगा असली पावर आपको देखने को मिली थी स्नैपड्रैगन 660 की इसके अंदर। उसके अलावा फेस डाटा फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो अगर मैं आपको फिंगरप्रिंट से दिखाऊं तो देख सकते हो तुरंत ही खुल गया है। यहाँ पे फेस डाटा से खिलाओ दिखाऊं तो आप देख सकते हो तुरंत ही यहाँ से फेस डाटा से भी वर्क करने लगा है। उसके अलावा एडवांस सेटिंग में आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। वर्टिकल क्लॉक चेंज करनी है तो आपको वो भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हम नोटिफिकेशन स्टेटस बार में चले तो आपको एक नया ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो कि है नोटिफिकेशन फोल्डर का, कि आप यहाँ पे आप नोटिफिकेशन फोल्डर्स भी बना सकते हो, देख पाओगे कि कौन कौन सा आपको ऐप दिखाता है और सारे अन इम्पॉर्टेंट आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। कलर नोटिफिकेशन आइकन भी मिल जाएगा और यहाँ पे आप टॉगल साइज़ को भी चेंज कर सकते हो कि कितना आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये सब भी आपको देखने को मिल जाता है। हाइड अलार्म फंक्शन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। होम स्क्रीन सेटिंग में चलोगे तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारे होम स्क्रीन लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जितना आप चाहो उतना यहाँ पर चेंज कर सकते हो। हाइड आइकन कैप्शन मिल जाएगा, फोल्डर ब्लर बैकग्राउंड मिल जाएगा, डबल टैप से आप क्या फंक्शन करना चाहते हो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, और स्वाइप अप से आप क्या करना चाहते हो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि स्वाइप अप करो तो आपको क्या ओपन होगा, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अब फाइनली स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर से जो नोटिफिकेशन पैनल है वो ऊपर ओपन हो जाता है। अगर आप स्वाइप अप करते थे तो आपको जो ब्राउज़र है उसका यहाँ पे सर्च खुल जाता था, तो आप यहाँ पे सिंपली सेट कर सकते हो जो भी आप चाहो। उसके अलावा हाइड नॉट का नॉच का फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है जिससे आपका नॉच हाइड हो जाता है, और कर्व डिस्प्ले में यहाँ पे हाइड होता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और कर्व डिस्प्ले की तरफ से आप यहाँ पे हाइड करके इसको यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके अलावा प्रॉब्लम तो अभी तक मुझे कोई नहीं दिखी, वोल्टी भी आपको यहाँ पे वर्क करता हुआ मिल जाएगा, सिस्टम साउंड भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल के लिए तो स्टेबल परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बैटरी सेविंग आपको एक्सट्रीम बैटरी सेविंग मोड मिल जाता है जो कि अभी तक हमारे फ़ोन में नहीं आया है। AI परफॉर्मेंस और पावर सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एडेप्टिव बैटरी भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। उसके अलावा आपको और नीचे चलें तो एडिशनल सेटिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं जो कि आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे हमारा डेवलपर ऑप्शन है, तो डेवलपर ऑप्शन में भी एक ऑप्शन यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है, तो डेवलपर ऑप्शन में चलते हैं। और डेवलपर ऑप्शन में आप देख पाओगे एक्सटेंडेड पावर मेनू का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नाइट मोड भी यहाँ पे मिल जाता है जो कि ऑलरेडी आपको बाहर देखने को मिल जाता है, तो अंदर आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही आप ऑन ऑफ यहाँ पे सिंपली इसको कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाओगे और टर्न ऑफ करोगे MIUI ऑप्टिमाइजेशन को, उसके बाद हम चलेंगे बाहर तो आपको यहाँ पे एक मल्टीपल यूज़र का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जिससे आप गेस्ट और एक यूज़र को ऐड कर सकते हो, जैसे विंडोज़ के आपको लैपटॉप में देखने को मिलता है कि आप अगर अपने यूज़र हो तो आप अपने में यूज़ कर सकते हो या दूसरे एडमिन को बना सकते हो, तो उस तरीके से इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हम चलेंगे अगर डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में अब आपको एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें ऑलवेज ऑन इंक्रीज्ड आपको डिस्प्ले मिल जाती है, कि जैसे आपको सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को मिलती थी, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हो और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, लेकिन वर्क नहीं कर रही है क्योंकि हमारा LCD पैनल है, AMOLED डिस्प्ले नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको वर्क करती हुई इन फ्यूचर मिलेगी कि नहीं, इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये तो देखने पे पता चलेगा कि आपको इन फ्यूचर में ये मिलती है कि नहीं। उसके अलावा ऐप लॉक में मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि आपको फेस वेरिफिकेशन तुरंत तुरंत हो जाता है, और यहाँ पे आपको वंस एक बार अनलॉक हो गया तो आपको फेस वेरिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, और इंटर पासवर्ड भी आप यहाँ पर तुरंत ही कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फेस एनिमेशन भी आपका साथ साथ वर्क कर रहा है, तो देख पाओगे मैंने यहाँ पे इसमें वेरीफाइंग फेस डाटा दिखा रहा है। और एक चीज़ इसमें ये काफ़ी खास मुझे देखने को मिली, अगर आपने अभी नोटिस करा तो देखो, मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है, अनलॉक करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं गैलरी में जिसमें मैंने यहाँ पे आपको वेरीफाई फेस डाटा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ इसमें, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट से भी ये अनलॉक हो जाता है तुरंत ही, कुछ सेकंड बाद आपको यहाँ पे टाइम लगता है। उसके अलावा अगर हम इधर आ जाएं तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा ऐप वॉल्ट, जिसमें काफ़ी छोटा सा आपको देखने को मिलता है बिना एड्स के, बिना किसी फालतू चीज़ के, साथ ही साथ AI मोड मिलता है लेकिन वो वर्क वह आपको नहीं करता है। अब चलते हैं यहाँ पे थीम स्टोर के बारे में चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैमरे के बारे में भी ज़रूर दिखाऊंगा। थीम स्टोर में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि वॉलपेपर स्लाइडर आप ऑन कर सकते हो, अपने मनपसंद स्लाइडर के वॉलपेपर मतलब आप लगा सकते हो कि
आपको जो भी स्लाइडर चाहिए आप यहाँ पे वॉलपेपर लगा पाओगे कि आपके लॉक स्क्रीन में कौन कौन से वॉलपेपर आपको यहाँ पे दिखाएगा, तो वही वॉलपेपर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। हर 15 मिनट में आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब अपने तरीके से आप वॉलपेपर कैरोसेल बना सकते हो उस थीम के अंदर। फिर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रंट को आप बिना किसी रीबूट के आप लगा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ये अप्लाई हो गया है MIUI सैन फ्रांस, और आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप कोई भी थर्ड पार्टी थीम लगा सकते हो, जैसे ये एवेंजर्स थीम है और थर्ड पार्टी चाइना की थीम है, और मैंने इसको ईजिली लगा दिया और यहाँ पर ये अप्लाई हो भी गई है। देख पाओगे कितनी अच्छी यहाँ पर ये थीम आपको देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रही है। सिक्योरिटी के अंदर चलें तो आपको यहाँ पे गेम बूस्टर एज यूजुअल देखने को मिल जाएगा, पावर टाइमर, टास्क और काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं मेन अपने यार कैमरा के अंदर। तो कैमरा में आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एज आपको पता है कि हमारा Redmi Note 7 सपोर्ट नहीं करता है और ये मेनली चाइना ऑप्टिमाइज्ड है और अभी तक ग्लोबल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुई है रोम। जैसी हो जाएगी आई थिंक यहाँ पे अगर 48 मेगापिक्सल का मोड आएगा तो उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप 48 मेगापिक्सल से क्लिक करोगे मोड में जाके पिक, तो वो 48 मेगापिक्सल की नहीं आती है, आपको सेम जैसी ओरिजिनल क्वालिटी में देखने को मिलती है वैसे ही देखने को मिलेगी। देख सकते हो 3000x4000, लेकिन पिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, नो डाउट। आपको यहाँ पे अगर मैं सिंपल मोड से क्लिक करके भी दिखाता हूँ पिक, यही पिक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, तो देख पाओगे सिंपल मोड से भी क्लिक करने पे आपको यही 3000x400 आपको देखने को मिलेगी पिक्सल के पिक। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी में कोई डिक्रीमेंट नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है। AI मोड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता है, थोड़ा स्लो लगता है मुझे ये AI मोड, और पर पिक्चर में कोई कमी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। देख पाओगे AI मोड में भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पिक निकल के आती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और वीडियो रिकॉर्डिंग का देख लेते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पाओगे आपको 4K 30 FPS यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छी है कि 4K 30 FPS भी आपको इसके अंदर देखने को मिल गया है। और जो कि इससे पहले मैंने आपके लिए MIUI EU रोम बनाया था Redmi Note 7 पे, उस पर नहीं मिली थी, लेकिन इस पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपने EU की नहीं देखी है तो देख सकते हो 4K Ultra HD में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिटेल्ड पिक आती है नाइट मोड के अंदर। ये मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ नाइट मोड में पिक, और यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेता है रेंडरिंग होने में, प्रोसेसिंग करने में, और उसके बाद जो पिक निकल के आती है काफ़ी अच्छी यहाँ पे डिटेल्ड पिक आपको यहाँ पे निकल के आएगी और बहुत ही अच्छी यहाँ पे लगती है। प्रो मोड भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, प्रो मोड में आपको 48 मेगापिक्सल नहीं मिलता है, जिसका अलग से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा आप डायनेमिक शॉट्स भी यहाँ पे ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे डायनेमिक शॉट यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे क्लिक करा है मैंने, लेकिन आई थिंक यहाँ पे डायनेमिक शॉट आया नहीं, मैंने AI मोड ऑन कर रखा है, तो AI मोड की वजह से आई थिंक डायनेमिक शॉट नहीं लेता है। अब देखते हैं, तो अभी भी नहीं लिया, लेकिन MIUI EU रोम में ये डायनेमिक शॉट वर्किंग था, लेकिन अभी आई थिंक यहाँ पे डायनेमिक शॉट वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी डायनेमिक शॉट की वर्क क्यों नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्टेबल है, वर्किंग है, डायनेमिक शॉट वर्क नहीं कर रहा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। उसके अलावा सब चीज़ आपको यहाँ पे वर्किंग परफेक्टली मिल जाती है, वोल्टी भी आपको देखने को मिल जाता है, चार्जिंग भी ठीक ठाक यहाँ पे हो जाती है, और बहुत सारे फंक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक MIUI की जो स्टेबल वर्जन है उससे काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और ध्यान रखिएगा अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो बूट लोडर अनलॉक होना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप इसको फ्लैश नहीं कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। सारी लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का भी अपने नीचे लिंक दिया है, आप जाके उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते। सो गाइज़, यहाँ पे इसको फ्लैश करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को, जो कि है Redmi Note 7, इसको हमको लेके जाना है रिकवरी मोड में, ताकि आपका TWRP रिकवरी खोल पाओ। सबसे पहले आपको इसको स्विच ऑफ करना है, उसके बाद जो कि आपका वॉल्यूम अप बटन है और पावर बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ताकि ये आपका
TWRP जो कि मोड है उसमें यहाँ पे ओपन हो जाए। TWRP कैसे इंस्टॉल करना है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बनाया है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे TWRP मोड में ओपन होने के बाद आपको वाइप में जाना है और एडवांस वाइप में जाके डेलवेक कैश डेटा कैशे सिस्टम और सिस्टम रूट यानी वेंडर को भी सिलेक्ट करना है। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं है तो और आपको सिंपली अब जाना है वापस इंटरनल स्टोरेज में और जहाँ भी आपने मैजिक्स की जो मैंने फाइल दे रखी है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको सिलेक्ट करके सिंपली स्वाइप टू वाइप कर देना है ताकि आपका इजीली फ्लैश हो जाए। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको यहाँ पे फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको फ्लैश करोगे आपको जो कि है मैजिक्स रोम का उनका एक एनिमेशन दिख जाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको रेडमी नोट 7 पे कौन सा वर्जन है और कौन सा मैजिक्स यहाँ पे आपको 4.1 का देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट इसमें कोई भी फर्मवेयर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में आप टैप करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको किस तरीके का कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, रूट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रूट में डिसेबल कर रखा है, मुझे रूट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन चलाने थे। उसके अलावा रूट की ज़रूरत नहीं है, कैमरा 2 API ऑलरेडी अनेबल रहता है। उसके अलावा आपको कौन कौन से सिस्टम ऐप चाहिए उसका भी ऑप्शन आ जाता है। बूट एनिमेशन कौन सा आपको चाहिए उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसको भी यूज़ कर पाओगे। सिंपली नेक्स्ट पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सारे जितने भी सिस्टम इमेज है सब यहाँ पे आपके फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएंगे। फ्लैश होने के बाद कुछ टाइम बाद आप वापस जब सक्सेसफुल स्लैब फ्लैश हो जाएगा तो आप TWRP मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपको रीबूट सिस्टम में क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा बूट एनिमेशन में, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, मेरे में 5 मिनट करीबन लग गए। मुझे लगा था बूट लोग में फंस गया लेकिन नहीं यार, टाइम थोड़ा लग गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है और आपका फ़ोन बूट हो जाएगा मैजिक रोम के लेटेस्ट वर्जन में। यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ़ोन बूट हो गया है और यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट मिलती है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इंडिया के बाहर के देख रहे हो तो देख लो, मैंने यहाँ पे इंग्लिश UK सेलेक्ट करा है और कौन कौन सी लैंग्वेज है आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। उसके अलावा आप यहाँ पे इजीली नेक्स्ट करके जैसा सेटअप होता है उस तरीके से आप यहाँ पे सेटअप कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, कमेंट करके बता दो। बाय बाय।